नमस्ते, मैं डॉक्टर उत्पल सुबोध शाह हूँ, अपोलो हॉस्पिटल का सीनियर कार्डियक थोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जन हूँ। 11 साल से मैं अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। उसके पहले मेरा बहुत अलग और अलग हॉस्पिटलों में काम किया था। इंग्लैंड में भी मैंने 4-5 साल काम किया हुआ है। कम से कम 32 साल का इस विषय में मेरा अनुभव है। मैं इस बार एक पेशेंट के बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग केस जो किया है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आपका 2 मिनट का चर्चा करना चाहता हूँ। ये है मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं, चमेली देवी है, 65 ईयर्स ऑफ एज, और वो बिहार के रहने वाले हैं। और इनको वाल की बहुत ख़तरनाक तकलीफ़ हो गई थी और लंबे अरसे से चल रही थी। कोई वजह से कोई आगे सारवार नहीं कर पा रहे थे, तो जब मेरे पास आए तो वो काफ़ी हद तक परेशानी में थे। फेफड़े में काफ़ी पानी भर गया था, जस्ट जो हमारी भाषा में पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। इतना ही नहीं, उनका जो हार्ट का पंपिंग है बहुत कमज़ोर हो चुका था, 20% से कम हो गया था। दूसरा कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल, जो लेफ़्ट साइड का जो हार्ट का जो पंपिंग चैम्बर है, वो इतना फुल गया था, फुग्गा बन गया था, कि उसका डायमेंशन 6.5 से 7 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो गया था। अब ऐसे परिस्थिति में इनका काम तो करना था, और काफ़ी डॉक्टरों ने इनको मना भी कर चुके थे कि भाई अब एंड स्टेज आ चुका है और इसमें अब ऑपरेशन नहीं हो सकता है। पेशेंट के और उनके फैमिली मेरे साथ काफ़ी चर्चे में रहे। मैंने उनको बताया, मैंने मेरे अनुभव भी बताए, मेरे सक्सेसेस भी बताए ऐसे एडवांस्ड केसेस में, और उनको विश्वास भी आया। उन्होंने मेरे पास जब मुझे अप्रोच किया था उसके पहले उन्होंने ऑलरेडी सर्च करके बैठे हुए थे कि किन के पास इनको ये काम करवाना है, और उन्होंने बताया कि नहीं डॉक्टर साहब, हम आपको आप पे विश्वास है, हम आगे बढ़ो। हमने ऑपरेशन भी किया, इनको एक पेसमेकर की भी ज़रूरत पड़ी। ऑपरेशन के आसपास के दिनों में थोड़ी हल्की सी किडनी की भी तकलीफ हुई थी, किडनी पे थोड़ी सूजन आई थी, थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। ये सब रास्ते में से हम आगे निकल गए, और आज ये 3 महीने पहले की बात है। आज माँ एकदम परफेक्ट कंडीशन में है, हेल्दी है, कंफर्टेबल है, खुद से चल फिर घूम रही है, नॉर्मल लाइफ जी रही है। और अब आज मुझे दिखाने आए हैं कि हमको वापस बिहार जाना है, 3-4-6 महीने के बाद आपको मिलेंगे। तो जस्ट टू शेयर ये बात, ये इसलिए चर्चे में रहना चर्चा करना चाहता हूँ कि ऐसे केसेस में काफ़ी समझदारी न होने के वजह से हम लोग ये तय कर लेते हैं कि अब इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ये कुछ नहीं करना है, आपको दवाई गोली खानी है, बाकी ये सब भगवान के हाथ में है। इस तरह से नहीं है, एक सेकंड ओपिनियन हमारे जैसे अनुभवी डॉक्टर का ले सकते हैं हम। आपको आगे का रास्ता अगर है तो दिखा सकते हैं ईमानदारी से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजय कुमार, बिहार का रहने वाला हूँ। ये मेरी माँ है। मेरी माँ बहुत सालों से हृदय रोग से ग्रसित थी। ये सांस भी अच्छे से नहीं ले पाती थी, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था, कुछ खाना भी नहीं खा पा रही थी। मैंने एम्स दिल्ली से लेकर के पटना एम्स तक हर जगह दिखलाया, लेकिन कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा था। कुछ डॉक्टरों ने तो इनका ऑपरेशन करने से भी मना कर दिया था। फिर मैं किसी काम से यहाँ अहमदाबाद आया। यहाँ पर मुझे अपोलो हॉस्पिटल के बारे में पता चला। यहाँ फिर मैं अपने नेट के माध्यम से सर्च किया गूगल पे, मुझे उत्पल सर के बारे में पता चला। फिर मैं उत्पल सर से अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी माँ को यहाँ दिखलाया। उत्पल सर का व्यवहार और इन्होंने भरोसा दिलाया कि आपकी माँ एकदम ठीक हो जाएगी, आप बस मुझ पर भरोसा रखो। आज भगवान की कृपा है कि उत्पल सर के कारण मेरी माँ आज मेरे साथ है और सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए उत्पल सर एक भगवान के समान है। अपोलो हॉस्पिटल के सारे लोगों, सारे स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके कारण मेरी माँ जिंदा है और हम लोग के बीच में है। और सबसे बड़ी बात, उत्पल सर हमारे परिवार के लिए एक भगवान के समान है।